हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम सॉलिड स्टेट पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो क्रिस्टल लैटिस है वो क्या होता है, ठीक है, 2D एंड 3D। एंड उसके बाद में ये भी बताया था कि जो यूनिट सेल है वो क्या है, आपका किस तरह से वो आपका अरेंज होता है क्रिस्टल लैटिस में। तो वीडियो के इस भाग में हम ये जानेंगे कि जो पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल के वो क्या हैं, यानी कि यूनिट सेल जो है उसको हम किसके थ्रू मेजर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो प्रीवियस वीडियो में भी आपने पढ़ा हुआ है प्राइमेटिव यूनिट सेल, हमने इसकी प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया है। तो जो लोग इसको नहीं देखे हैं प्लीज इसको वॉच करें। प्राइमेटिव यूनिट सेल का जो क्लासिफिकेशन है या टाइप ऑफ प्राइमेटिव यूनिट सेल है वो क्या है, ठीक है, 7 टाइप है, उनके स्ट्रक्चर भी हमने ड्रा कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे जो पैरामीटर है यूनिट सेल के वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर दो पैरामीटर आपके यूज किए जाते हैं, एक आपका होता है एज लेंथ, दूसरा आपका होता है इंटरफेशियल एंगल। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये आपका यूनिट सेल है, ठीक है। अब इस यूनिट सेल में ये जो आपके बॉन्ड्स दिख रहे हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके एज हैं, ठीक है। ये जो आपके ये दिख रहा है ये है, ये इस तरह से ये है, तो ये आपके एज हैं, ठीक है। इनकी जो लेंथ है इसे हम बोलते हैं एज लेंथ। अब देखिए अगर हम इस स्ट्रक्चर को हटा दें यहां से, या मान लीजिए जैसे ये जो इतना पोर्शन है ये हटा दें हम, तो यहां पर 3 एक्सेस आपके बनते हैं, देख सकते हैं। जैसे आपका ये एक एटम है, इसको अगर हम ओरिजिन मान लें तो ये आपका वाई एक्सेस है, ये आपका एक्स एक्सेस है, और ये जो आपका है ये क्या है, ये जेड एक्सेस हो जाएगा। तो इन तीनों एक्सेस पर 3 डिफरेंट आपके एज लेंथ होंगे। तो जो 3 डिफरेंट डायरेक्शन में एज लेंथ है तो उनको हम किसी डिफरेंट नंबर से या न्यूमेरिक से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपके एज लेंथ हैं इनको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, देख सकते हैं। जैसे मान लिया ये एक्स एक्सिस पर है, ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये लेंथ आपकी बी हो गई, एंड ये जो आपका जेड एक्सिस पर है ये लेंथ आपकी सी हो गई। ऐसे ही इंटरफेसियल एंगल जो है आपका, इसमें हमने ये भी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये जो आपका क्यूब है इसमें 6 फेजेस होते हैं। अब अगर हम इस एटम को ओरिजिन मान लेते हैं तो हमें 3 फेज मिलते हैं, देख सकते हैं। एक आपको बिल्कुल ये सामने दिख रहा है, ये फेज है, ठीक है, एक ये वाला फेज है और एक ये नीचे है बॉटम, ठीक है। तो टोटल 3 फेजेस हैं। अब 3 फेजेस में से दो दो को कंसिडर करके हम क्या करेंगे, इंटरफेशियल एंगल निकालेंगे। देख सकते हैं यहां पर जैसे ये फेज है और ये फेज है, इसके बीच का जो एंगल है ये जो आपकी लेंथ है, ठीक है, इसमें ये जो आपका फेज है ये और ये दोनों जो आपके एज हैं इनके बीच का जो एंगल है इसे बोलेंगे इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। ऐसे ही यहां भी आपका एक एंगल बनेगा और एक आपका ये इस तरह से भी बनेगा इनके इनके बीच में। तो जो इंटरफेशियल एंगल है ये जो आपके एज लेंथ है इनके बीच के जो एंगल है ये बोलते हैं। अब देखेंगे यहां पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये जो आपका है स्मॉल ए ये एज लेंथ है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन माना गया है। ये आपका ए के सामने का एंगल जो है अल्फा, बी के सामने का एंगल बीटा एंड सी के सामने का एंगल गामा। तो ये आपका यूनिट सेल का पैटर्न है। तो ये ध्यान रखिएगा टोटल आपके 6 पैरामीटर्स हैं, 3 आपके एज लेंथ होते हैं और 3 आपके इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेटिव सेल। प्राइमेटिव सेल का मतलब क्या है, मैंने पीओ सेल में आपको डिस्कस किया था। प्राइमेटिव यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल हैं जिनमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो केवल कॉर्नर पर होते हैं, केवल यूनिट सेल के कॉर्नर पर होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं सभी में जो यूनिट सेल है, जितने भी यूनिट सेल सभी में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं ये हमने सर्कल से दिखा रखे हैं, ब्लैक सर्कल। ये आपके एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये कहाँ पर है, ये केवल और केवल आपके कॉर्नर पर है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपका पहला जो यूनिट सेल है प्राइमेटिव यूनिट सेल उसको बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें देखिए ये जो आपके एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल में जो रिलेशन है इन्हें जरूर लर्न रखिएगा कि मल्टीपल चॉइस या फिर मैचिंग जो कॉलम में पूछ लिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको लर्न रखना है इंटरफेशियल एंगल एंड एज लेंथ के रिलेशन। यहाँ पर देख सकते हैं जो क्यूबिक सिस्टम है इसमें तीनों एज लेंथ आपके सेम होती हैं, तीनों आपके जो एंगल्स हैं वो 90 के इक्वल होते हैं, यानी कि तीनों एंगल भी आपके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपका है टेट्रागोनल। देखिए टेट्रागोनल क्या है, थोड़ा सा
रेक्टेंगुलर शेप में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एक स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, बट ये जो आपका फेज है ये कैसा है, ये आपका रेक्टेंगुलर है। तो ये आपका जो है रेक्टेंगुलर है, थोड़ा सा नीचे लेंदी है, इसको टेट्रागोन बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दो एज लेंथ आपकी सेम होती है, ए और बी आपका इक्वल होता है और सी आपका नहीं होता है, यानी कि ए और बी सी के इक्वल नहीं होता है। सेकेंड जो आपका इंटरफेसियल एंगल है, इंटरफेसियल एंगल आपका अल्फा बीटा गामा तीनों ही आपके क्या है, इक्वल होते हैं, और तीनों किसके इक्वल होते हैं, 90 के इक्वल होते हैं। थर्ड आपका है आर्थोरोम्बिक, ठीक है, आर्थोरोम्बिक भी बिल्कुल इसी तरह का है, बट थोड़ा सा क्या है ये वाइडिस होता है, थोड़ा सा ये लेंदी होता है, वाइडिस भी होता है। तो यहाँ जो आपका ये जो एज लेंथ है ये तीनों ही अनइक्वल होते हैं, ये बहुत ही इरेगुलर भी होता है, यहाँ पर तीनों अनइक्वल होते हैं, और जो आपके बॉन्ड एंगल हैं ये तीनों इक्वल होते हैं। ध्यान रखिएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। नेक्स्ट आपका फोर्थ है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या है, तीनों एज लेंथ आपकी डिफरेंट होती हैं, ठीक है, दो बॉन्ड एंगल अल्फा एंड गामा आपके 90 होते हैं, और बीटा जो है आपका वो 90 के इक्वल नहीं होता है, यानी कि ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये आपका फोर्थ था। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ हेक्सागोनल परमिटिंग यूनिट्स है। हेक्सागोनल में क्या है, दो आपकी एज लेंथ सेम होती हैं, तीसरी नहीं होती है, और इसमें अल्फा बीटा गामा जो अल्फा बीटा है ये 90 होता है, गामा जो है आपका 120 होता है, यहाँ पर दो एंगल आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में तीनों एज लेंथ आपकी सेम है, बट तीन और तीनों आपके इंटरफेशियल एंगल भी सेम है, बट कोई भी एंगल आपका 90 के इक्वल नहीं होता है। कहने का मतलब है 90 से ज्यादा हो सकता है या 90 से कम हो सकता है। लास्ट आपका है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या है, कुछ भी सेम नहीं होता है। कहने का मतलब है एज लेंथ भी तीनों जो है वो भी आपकी डिफरेंट होती हैं, और जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं वो भी आपके तीनों डिफरेंट होते हैं। अब एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि कौन सी पिरामिडल यूनिट सेल जो है आपकी वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, कौन सी बहुत ज्यादा अनसिमेट्रिकल है। तो मैं आपको बता दूं, जिसमें एज लेंथ और बॉन्ड एंगल सारे इक्वल होंगे वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सिंपल क्यूबिक है, इसे क्यूबिक भी कह सकते हैं, सिंपल क्यूबिक भी बोल सकते हैं, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में एस एंड सी लिखा था शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें दोनों पैरामीटर्स आपके इक्वल आते हैं, इसकी वजह से जो आपका ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है ये मोस्ट सिमेट्रिकल होता है। लास्ट वाला जो है मोस्ट अनसिमेट्रिकल इस वजह से, क्योंकि इसमें जो आपके दो पैरामीटर हैं वो दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, यानी कि ए बी सी तीनों डिफरेंट हैं, और अल्फा बीटा गामा जो आपके एंगल्स हैं इंटरफेशियल एंगल वो भी आपके डिफरेंट हैं। तो ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है। मल्टीपल चॉइस के लिए ये ध्यान रखिएगा कि ट्राइक्लिनिक आपका जो है मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, और जो आपका सिंपल क्यूबिक है वो मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनके जो पैरामीटर्स रिलेशन है उनको जरूर लर्न रखिएगा। नेक्स्ट आपका है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो यहाँ पर थोड़ा सा न्यूमेरिकली प्रॉब्लम है ये, कि इसमें हम अब ये जानेंगे कि जो आपका यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स को हम कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ रूल्स हैं जो आपको लर्न रखने हैं। यहाँ पर टोटल 4 रूल्स हैं, देख सकते हैं। इसमें पहला रूल है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, यानी कि जो एटम आपका कॉर्नर पर होता है, जैसे आपका ये यूनिट सेल है, इसमें देखिए ये जो आपके एटम्स हैं सारे के सारे कॉर्नर पर हैं। तो जो एक एटम है कॉर्नर पर, यहाँ पर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये यूनिट सेल है, ठीक है, इसमें मान लिया जैसे ये आपका सारे एटम इसमें जो भी हैं कॉर्नर पर ही हैं, ठीक है। अब इसमें जो एक एटम है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है एक यूनिट सेल में, वो आपका 1/8 पार्ट होता है, यानी कि ये पूरा एक एटम नहीं काउंट किया जाता है, ये 1/8 एटम ही काउंट किया जाता है, क्योंकि जो आपके यूनिट सेल होते हैं वो एकदम क्लीन सेव्ड कट होते हैं, यानी कि एकदम बिल्कुल बराबर कट करने के बाद में डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये जो आपका कॉर्नर पर एटम है उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरा एक एटम का नहीं होता है, वो कितना होता है 1/8 होता है, कितने का, एक एटम का, यानी कि एक एटम जो है, जैसे मान लिया कि यहाँ पर ये एक एटम है तो ये 1/8 एटम माना जाता है, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है, ऐसे जो भी आपके ये हैं सारे के सारे 1/8 कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट आपका है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। अब बात आती है जैसे जो यूनिट सेल का सेंटर है, मान लिया जैसे यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है,
यहाँ पर कहीं होगा, तो वहां पर जो एटम होता है वो कट या क्लीन नहीं हो पाता है, वो पूरा सेफ रहता है जब उसको हम इसके सरफेसेस को क्लीन करते हैं, ठीक है, शार्प एज इंस्ट्रूमेंट से। तो बीच में जो यहाँ पर एटम होता है वो आपका पूरा कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए यहाँ पर माना जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू वन, यानी कि एक ही एटम होता है, ठीक है, सेंटर एक ही होता है, एक ही एटम होगा तो वो पूरा कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर जो सेंटर पे होगा यूनिट सेल के वो आपका वन माना जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड रूल है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट द फेज सेंटर ऑफ यूनिट सेल, यानी कि फेज सेंटर। फेज सेंटर का मतलब समझ लीजिए, देखिए ये आपका एक फेज है, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, यहाँ पर अगर एक एटम है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ होता है, यानी कि 1/2 ही होता है, पूरा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है। तो यहाँ ये आपको याद रखना है कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट द फेज सेंटर, फेज सेंटर का मतलब, ठीक है, ये फेज है आपका, ये यहाँ कहीं आपका सेंटर होगा, यहाँ पर अगर कोई एटम है, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही फेज में, कहीं भी किसी भी फेज पे अगर सेंटर पे कोई एटम है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 माना जाता है। नेक्स्ट आपका है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट द एज ऑफ यूनिट सेल, एज का मतलब अभी हमने प्रीवियस बहुत जल्दी डिस्कस किया था कि ये जो आपकी लेंथ होती है, ये जो होता है, ठीक है, कोर, इसको हम एज बोलते हैं। तो अगर कोई एटम यहाँ पर, जैसे ये इतनी लेंथ है, इसमें यहाँ कहीं पर एक एटम आ जाता है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो एज है ये एजेस हैं, ठीक है, टोटल इसमें कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं क्यूब में। तो यहाँ पर ये जो आपका एक ऐसे और ऐसे दो फेज को मिलाने से, दो फेजेस को मिलाने से एक एज बनता है। यहाँ पर देखिए एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, या फेज कहें या सरफेस कहें की बात है। तो यहाँ पर एक ये एज बनता है, इसमें यहाँ कहीं एटम आता है तो उसको हम एज पे एटम बोलते हैं, और ऐसा एटम जो है वो केवल 1/4 ही कंट्रीब्यूट करता है, फुल कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो ये फोर रूल्स हैं, ये बेसिक रूल्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, देन उसके बाद में जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो अभी हम ये सीखेंगे यहाँ पे कि जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल आपने पढ़ रखे हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते कितने हैं। देखिए देखने में इसमें लगते हैं 8, बट अभी जब कैलकुलेट करेंगे हम तो आपको पता चलेगा कि इसमें रियलिटी में कितने एटम हैं, यानी कि इसमें जो दिखता है वो होता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। यहाँ पर जितने भी एटम हैं ये जो मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं वो सब के सब कहाँ पे हैं, कॉर्नर पे हैं। तो रूल नंबर वन इसमें फॉलो होगा, रूल नंबर वन इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें टोटल एटम कितने हैं, 8 हैं, काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 एटम्स हैं। इसमें सारे के सारे एटम्स कॉर्नर पर हैं, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे इसमें तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इज इक्वल टू 8 × देखिए एक जो आपका एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है यहां पर, या तो ऐसे कर लें, इसमें पहले इसको मेंशन कर लें, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर, कॉर्नर पे जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा, सारे एटम्स आपके कहाँ हैं, कॉर्नर पर हैं, तो जब सारे एटम कॉर्नर पे ही हैं तो एक का जब कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है तो 8 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक का 1/8 था, 8 का हमें निकालना है, क्योंकि इसमें देखिए 1/8 इसका भी है, 1/8 ऐसे सभी का 1/8 है, टोटल कितना हो जाएगा, 8, तो ये कैंसिल होके कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम होता है वो 1 होता है। अब देखिए इसमें देखने में कितना लग रहा था, देखने में ये लग रहा था कि इसमें हर जगह पे आपका 8 एटम है, यानी कि 1 1 एटम है, बट इसमें ऐसा होता नहीं है, मैं बता दूं आपको। देखिए यहाँ पर ये जो एटम है इसका भी कंट्रीब्यूशन 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8 आएगा, ये भी 1/8 होता है, ये जो है ये भी 1/8 का ही होगा,
यहाँ पर ये जो एटम है इसका भी 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा, इस एटम का भी 1/8 एंड इस एटम का भी, तो इन सभी को आप टोटल कर लीजिए, आपको 1 मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका जो यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें दो टाइप के एटम हैं, एक तो आपका होगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम, एट द सेंटर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, और ये जो अभी 1 लिखा है ये रूल नंबर सेकंड था, 1/8। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, देखिए एक तो ये सेंटर पे है, ये पूरा 1 काउंट किया जाएगा। अब देखिए 8 आपके कॉर्नर पर हैं, जैसे कि यहाँ भी था, तो 8 जब आपके कॉर्नर पर हैं और 1 का कंट्रीब्यूशन 1/8 आता है, तो इसको हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो आपका एटम है, टोटल एटम, वो कितना है, 1/2 एटम आता है, और इसमें कंट्रीब्यूशन में मेंशन किए दे रहा हूँ कहाँ कहाँ कितना है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये जितने भी कॉर्नर पर हैं इनका सभी का 1/8 का कंट्रीब्यूशन होगा, जितने भी कॉर्नर पर हैं, ठीक है, कोई रह तो नहीं गया। और जो ये आपका एटम है इसका फुल कंट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर जो एटम है, अब आप सभी को टोटल कर लेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है नंबर ऑफ एटम्स इन फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो फेज सेंटर्ड यूनिट सेल जो है आपकी FCC से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें आपके दो टाइप के एटम हैं, एक तो आपका फेज के सेंटर पर भी है कुछ एटम्स, और दूसरा जो टाइप का एटम है वो आपका कॉर्नर पर है, तो यहाँ पर भी हम रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर थर्ड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर होगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर कितना आएगा, 1/8, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट फेज सेंटर कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/2। देखिए जो कॉर्नर पर हैं वो कितने हैं, 8 एटम हैं, और जो फेज सेंटर पर हैं, काउंट कर लीजिए, जो ग्रीन से मेंशन है वो फेज के सेंटर पर हैं, टोटल 6 फेजेस हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल ग्रीन वाले 6 हैं, तो जो ग्रीन वाले हैं उनको आपको क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो ब्लैक वाले हैं कॉर्नर पर उनको 1/8 से करना है, क्यों, क्योंकि कॉर्नर पर ब्लैक वाले हैं और जो फेज की सेंटर पर हैं वो ग्रीन वाले हैं, तो जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है उसको उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करना, नहीं तो गलत आएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम, सबसे पहले यहाँ पर वो वाले कर लेते हैं कॉर्नर के, एक का होता है 1/8 का कंट्रीब्यूशन, टोटल आपके एटम्स कितने हैं कॉर्नर पर, 8 हैं, देख सकते हैं ब्लैक वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ग्रीन वाले कितने हैं, 6 हैं, और एक जो ग्रीन वाला है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ग्रीन वाला क्या है, फेज के सेंटर पर है, एक का होता है कंट्रीब्यूशन हाफ का, तो टोटल 6 हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ पर आएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आएगा, यानी कि यहाँ आपका आंसर जो है, या टोटल नंबर आप जो एटम आएगा आंसर, वो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको मेंशन किए दे रहे हैं, यहाँ पर ये जो आपके एटम्स हैं ये सब 1/8 का कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ब्लैक वाले जो हैं ये 1/8 का करेंगे, या तो एक काम करते हैं, इसको जो है इस तरह के बजाय एक दूसरा मेथड है उससे आप इसको रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा,
ऐसे बहुत ही क्लस्टर्ड हो जाएगा। देखिए एक तो आपका ये ग्रीन था, ये ब्लैक वाला जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/8, और जो ग्रीन है ये आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/2। ठीक है, जितने भी ग्रीन है काउंट कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है नंबर ऑफ एटम्स इन इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में देखिए दो टाइप के एटम हैं, एक तो आपका कॉर्नर पर है, दूसरा आपका अपोजिट फेज के सेंटर पर है। तो यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट एंड थर्ड हम यूज करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट कॉर्नर कितना आता है 1/8, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट फेज सेंटर 1/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए फेज जो आपके कॉर्नर पर हैं वो 1/8 कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो फेज सेंटर पर हैं वो वाई आपके 1/2 करेंगे। यहाँ पर मैंने इनको मेंशन कर दिया है अलग से, यहाँ समझने के लिए समझ सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स जब निकालेंगे तो दो टाइप के एटम हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई कर दो टोटल से, टोटल नंबर ऑफ एटम देखिए 1/8 जो है कॉर्नर वाला था, एक का कंट्रीब्यूशन था, टोटल कितने हैं कॉर्नर पर 8 हैं, प्लस 1/2 था फेज सेंटर वाले का, और फेज सेंटर पे कितने एटम हैं 1 एंड 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1+1 यानी कि कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कभी कभी कि विच यूनिट सेल हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स टू द पॉली सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी BCC यूनिट सेल। तो आपका इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में आपका उतना ही एटम होता है जितना BCC यूनिट सेल में होता है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा एक और क्वेश्चन आता है कि जितने भी आपके चार यूनिट सेल हैं इसमें से सबसे ज़्यादा क्रिस्टल डेंसिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा डेंस कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका सबसे ज़्यादा एटम्स कंटेन किया हुआ है वो आपका सबसे ज़्यादा डेंस होगा। यहाँ पर देखिए ये आपका 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये आपका 4 है। तो जो आपका FCC यूनिट सेल है वो सबसे ज़्यादा डेंस होता है, उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, सबसे ज़्यादा स्पेस को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाईली डेंस है, ठीक है, और सबसे लो जो डेंसिटी है वो आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की होती है, ध्यान रखिएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी आपको वर्कशीट मिलेगी, उसको सॉल्व करना है। और अभी तक जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि हमारा जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे।